हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए लेस देन एंड इक्वल टू नाउ फंक्शन का प्रयोग हम कैसे एमएस एक्सेस में कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, डिज़ाइन व्यू पे आ जाइएगा आप। मैं यहाँ कोई नाम दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम, यहाँ पर हमें नेम ऑफ चाइल्ड टाइप करना है, नेम ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप होगा और यहाँ पे सिटी टाइप कर देता हूँ, चाइल्ड की सिटी क्या है वो आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें टाइप करना है डेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा डेट लिखना है जो कि यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा टाइप, और यहाँ पर एक ऐसा डेट लिखना है जो कि MM, DD और YY के फॉर्मेट में हो, और उसमें वैलिडेशन में क्या लगा रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू नाउ। नाउ यहाँ फॉर्मूला में प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ दो ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ प्रयोग करने से ये क्या होगा इसकी बात हम करेंगे। आइए व्यू पे क्लिक करते हैं और इसको यस करते हैं। जैसे ही यस करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई पड़ेगा। नेम ऑफ चाइल्ड यहाँ लिखता हूँ शशांक, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया शशांक। और इसके बाद सिटी यहाँ टाइप करनी है हमें, तो सिटी टाइप कर देता हूँ देवरिया। और डेट यहाँ पे टाइप करना है तो यहाँ डेट डाल सकते हैं। तो देखिए नाउ का फॉर्मूला हमने लगाया है, नाउ का फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मंथ हमने 9वां सेलेक्ट किया है और यहाँ डेट 4 है और 2019 ईयर जो है 2019 है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर यही बात करें अगले स्टूडेंट की, तो यहाँ देखिए अगले स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा, सिटी मैं लिख रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने सिटी, ठीक है, सिटी का नाम दे दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे ये 9 मंथ हमने 9 सेलेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मंथ चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अक्टूबर कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही नीचे आऊँगा तो ये देखिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, मंथ हमें इससे कम रखनी है। अच्छा यहाँ पे कम करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ये तो 10 मंथ हमने कर दिया है, 10वां महीना आ गया, इसके जगह हम 8वां महीना लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आइए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 8वां महीना लगा के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं, या फिर इससे भी कम लगा के देख लेते हैं। जैसे ये जून का महीना है तो इसको लगा के देखते हैं एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्ट कर चुका है, ये एक्सेप्टेबल है, यानी कि इससे कम रखना है या इसके बराबर रखना है। आप 9वें महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते या ज़्यादा नहीं रख सकते, आप कम रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकते। आइए देखते हैं एक और नाम टाइप करके यहाँ पे, ये भी एक काइंड ऑफ वैलिडेशन है। अब ये लखनऊ हो चुका है, जैसे मान लीजिए वाराणसी में टाइप करता हूँ वाराणसी, ठीक है, ये टाइप किया हमने। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब फिर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, सितंबर से ज़्यादा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर या कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी हम डेट चूज करेंगे, यहाँ पे डेट मैंने 1 चूज किया, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि हमने क्या वैलिडेशन दिया था, लेस देन इक्वल टू नाउ किया था, ठीक है। लेस देन हो सकता है नाउ से, लेकिन इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है, इस कारण से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वैलिडेशन रूल की वीडियो समझ में आई होगी कि डेट पर हम कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।